हम लोगों को बताएं कि प्लीज अपनी नजरों की हिफाजत करें और जिन पे वो नजरें रखते हैं नीचे आजकल दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, है ना। Assalamualaikum and welcome back to another vlog. तुम्हें कितने सब खैरियत से होंगे यार। आई रमजान का पांचवा रोजा, सारे रोजे रख रहे हो ना? नहीं, ये भी छोटा बच्चा है यार। क्लास के लिए काफी लेट हो गया था तो व्लॉग को उस तरह से आगाज भी किया था। अभी मेरी तकरीबन ढाई घंटे में फ्री हूँ और ढाई घंटे के बाद क्लास है इनकी, तो क्लास है तुम्हारी नहीं? नहीं ना यार, ढाई घंटे में किधर जाऊंगा, ना तो कैफे खुले, ना कहीं बैठ सकता हूँ, ना कुछ कुछ खा भी नहीं सकता। कुछ खा भी नहीं मतलब रोजा तोड़ देना? नहीं भाई, कभी नहीं, मर भी लाऊं तो रोजा नहीं तोड़ता। देखिए दो हमारे साथ दो है, रोजा है कौन सा रोजा है? पुल नहीं है यार, तकरीबन आजा पुणा है। दिन में तीन बजे रखते हैं रोजा है। शाहजमान ही मेरा हो, शाहजमान आपका रोजा है? पक्की बात है, शाहजमान का रोजा तो सबका रोजा है। कल भी उठे हुए तो भाई, किसने क्या उठे हो तो सो लेकिन फिर चले यार, इसकी क्लास है तो क्लास लेने बेहतर है, खुद जरा कहीं बाहर वारा गर्दी करते हैं क्योंकि उसके अलावा बेचारा नहीं है। जैसा कि कैफे वगैरह सब कुछ बंद है तो आवाम ये देखिए सारी बाहर बैठी हुई है और जगह ही नहीं है बैठने की। जी जी कुछ कहेंगे यार, बैठने की जगह ही नहीं, आवाम सारी धूप में बैठी है बेचारी क्योंकि क्लासेस ना वो मतलब क्लासेस आगे पीछे हो जाती हैं। अभी मैं भी यहाँ बाहर ही बैठा हूँ, बाहर आए मैक्सी की तरफ, लेकिन यहाँ भी बहुत रश है, जगह ही नहीं कि बैठने की, उनकी जगह ढूंढते हैं और बैठते हैं या मस्जिद चलते हैं। यूनिवर्सिटी की हमारी यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, अभी यहाँ पे बॉयज़ अपने बैठे हैं, यहाँ पे अभी तालीम व तालुम किया थोड़ा बहुत, और यहाँ पे देखें बहस लगी हुई है थोड़ी सी। जूनियर भाइयों के साथ बैठे हैं थोड़ी देर मस्जिद में क्योंकि गुनाहों से बचना था बाहर। आपको पता नजर की हिफाजत यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती। आजो 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 यार, कि हम मस्जिद में बैठ के जितना हमसे हो सके दीन की बात करें, दीन को खिलाएं, हम लोगों को बताएं कि प्लीज अपनी नजरों की हिफाजत करें और जिन पे वो नजरें रखते हैं हम उनको भी समझाएं कि रमजान के लिए थोड़ा सा एक 30 दिन के लिए थोड़ी सी मेहरबानी किया करें प्लीज। और सारे भाई हम हुरे हासिल करने गए थे, हमारी हमें चाहिए 70 हुरे हैं दुनिया में, एक आदमी के पीछे हम अपनी 70 हुरे नहीं खराब कर रहे हैं। यहाँ देख देख के अपनी वो जन्नत वाली हुरे जाया कर रहे हैं, वो इसने कर दी है, हमने नहीं की है, हम अभी तक कायम है, हम 70 हुरे हैं चाहते हैं। इस टाइम बिहार में तस्बीह लिए इस्तिगफार कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी का रश आप देखे इस टाइम बिहार, क्योंकि लोगों को आजकल जगह नहीं मिलती कोई बैठने की। हमारी क्रशी किसी और के साथ करनी है, ये देखे रश ही रश भाई, क्योंकि कैफेज वगैरह बंद है। वैसे आवाम कैफेज के अंदर बंद होती है, जिस तरह शैतान बंद होता है ना कैफे में, इसी तरह आवाम बंद होती है। क्यों भाई? मेरे साथ अपने मतलब के जूनियर्स भाई, जूनियर्स भाई सही कह रहे हो ना, हम ये भी कि रमजान यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे गुजर हवालियत में जाए इसकी जाते जाते मुझे मास और उमैर भी मिल गया। कैसे दोस्तों यार, नाम ही नहीं आता यार, जहर से निकल गया ना। उमैर रमजान कैसा गुजरा यूनिवर्सिटी के अंदर यार? प्रेजेंटेशन दी है, आज ही चल रहा है। इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर रमजान कैसे गुजरा? नजरें नीचे आजकल, हाँ दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, है ना। दोस्तों से मिलना नहीं है आज के बाद, ठीक है, रमजान के बाद भी। सर मुझसे नहीं पूछो तो बेहतर है यार। क्यों? सुबह आया था रमजान, अच्छा खासा रोजा था मेरा, ठीक है, यहाँ जितने भी देखो ये मेरा, इन्होंने पहले रोजा खराब किया, फिर इनको छोड़ के वहाँ क्लास में गया हूँ, वो मैम बार बार मेरे सामने आई जा रही, ठीक है, मैं हाँ मैं इस तरफ जा रहा हूँ उस तरफ आ रही। यार अभी हमारे साथ है अनीस भाई, हाँ, और समीर भाई, समीर देखो, देखो उन्होंने वैल्यू पहले मेरे दी है, क्योंकि नाम तुम्हारा बता रहा हूँ। तो अनीस भाई आप आज, मैं ये वैसे पूछ रहा हूँ लोगों से कि रमजान यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा गुजर है यार? बात ये है ना, पहले मैं सच बता रहा हूँ, मैं घर से नियत की थी मैंने,
नजर मैंने कहा था नजर अच्छी रखूंगा, फिर मैंने कहा यार कि चलो क्लास में भी नियत की बात हुई ना, फिर उन्होंने कहा जी नियत का स्वभाव है सारा, ठीक है इधर आओ, फिर कोई अनीस इधर आओ, उधर से कहे अनीस इधर आओ, तो अनीस भाई ना अनीस करता मैं स्विमिंग नहीं नहीं यार मैं ना कर नहीं सकता असल में, क्यों ना क्यों नहीं कर सकते यार, देखो रोजे की हालत में बचना चाहिए, देखो मैंने दो घंटे मस्जिद में गुजारे हैं, मैंने शाको सुबह का आपको पहले डीन्स कैफे नाम है नहीं नहीं वो मैं मस्जिद के अंदर बैठ के मैंने गुजारा, हालांकि मैं मस्जिद के बाहर निकलो साथ ही वो मस्जिद शुरू हो थी। अभी मुताहिर से पूछते हैं, मुताहिर आपका रोजा बच रहा है यूनिवर्सिटी का? अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी बच रहा है, इस तरह करके चल रहे हैं, पहली नजर हम हटाते ही नहीं है। व्लॉग में आप क्या पैगाम देना चाहोगे ऐसे लोगों को? कैसे लोग नमाज पढ़ लेते हैं, समीर भाई बताएंगे, समीर भाई रोजा बच रहा है, रोजा बच रहा यूनिवर्सिटी में, हाँ यार ठीक है बॉयज तो रोजा यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, अपनी आंखों की हिफाजत खुद करनी है, नज़रों की हिफाजत खुद करें और रोजा रखें, बाकी इंशाल्लाह मदद करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। शैतान शैतान इतना नेक हो गया मेरी टोपी पहन के, अभी तो बहुत आसान रोजे हैं हमारे, क्या नाम मजदूरी है ना कुछ, हाँ स्टूडेंट हैं इधर आ रहे हैं, तंगे माहौल में बैठ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तो जी अभी इस टाइम पे है मेरे साथ सुदेश अवान साहब, सुदेश अवान साहब आप ये बताएं यूनिवर्सिटी के अंदर आपका रोजा कैसे गुजरा है? यूनिवर्सिटी के अंदर रोजा जी दाएं तरफ चलते हैं, आंखों की सख्ती हिफाजत करते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र जो है कसरत से करते हैं, और क्या करते हैं यार, आंखें उठ जाएं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के दोबारा आंखें नीचे कर लेते हैं। मैंने आज यकीन करो दो घंटे अपने मस्जिद में गुजारे, मस्जिद में बैठ के, बाहर आपको पता है क्योंकि दो घंटे में फ्री था, रमजान के अलावा ब्रदर प्ले बॉय बने होते हैं, प्ले बॉय बने हैं यार, देखो टोपी पहन के अभी इंशाल्लाह पगड़ी पहन के आएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीजें लानी चाहिए यार, कम से कम रमजान में सही इन बन के आना चाहिए। तो चलें जी उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग मजे का लगा होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।